बेटी सेफ महसूस नहीं कर रही, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी। इससे बुरा इस देश में कभी ना हुआ है ना होगा। देश की बेटी को की माँ की रूती चिल्लाती आवाज को दबा दिया गया है जी। सन्यासियों के बस का राह चलाना नहीं होता, आप अपने आश्रम में वापस चले जाएं। ऐसे रिपोर्टर्स को भी कोई जवाब नहीं मिला कि वहाँ पे बॉडी थी या कुछ और था। पचास हजार दो घंटे में लगभग यूपी के अंदर एक रेप हो रहा है। योगी सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेना चाहूंगी कि आज इस देश की बेटी सेफ महसूस नहीं कर रही, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा होता हुआ देख सकते हैं? एक दलित बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतनी बुरी हरकत हुई, और उसके बावजूद कल रात को जो एक्सट्रीम काम हुआ है जहाँ पे उसकी बॉडी तक जला दी गई है, उसकी माँ की रोती चिल्लाती आवाज़ को दबा दिया गया है, और इसके अलावा हम लोग मतलब आज कुछ नहीं करा जा सकता। उसके की बात अलग आती है, वहाँ पे अपराधी इन्वॉल्व होता है ना कि सरकार, लेकिन उस चीज़ पे एक्शन लेना, उस चीज़ को दबाया जाना, उस चीज़ के ऊपर जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, या उस चीज़ के ऊपर अगर कोई बड़े नाम इन्वॉल्व हैं उन नामों को दबाने के लिए कल रात को उस लड़की का शरीर, उस लड़की का शव जला दिया गया। आगे से रिपोर्टर्स को भी कोई जवाब नहीं मिला कि वहाँ पे बॉडी थी या कुछ और था, तो फिर इसमें तो कहीं ना कहीं हम सरकार का हाथ ज़रूर देखेंगे। कानून बने हुए हैं और मैं चाहूँगी कि किसी ना किसी तरीके योगी सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले और योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से रिज़ाइन करें, या फिर वो अपने इस घिनौनी हरकत के लिए और विमेन सेफ्टी के लिए कोई ना कोई सख्त कदम ले अपने स्टेट में। अन्यायपूर्ण, अपमानजनक और कायरतापूर्ण जो हरकत कल रात को 2:30 बजे बच्ची के, उस बेटी के, देश की जो बेटी है आतिश की, उसका शव जलाया गया, इससे बुरा इस देश में कभी ना हुआ है ना होगा। और हम तो योगी जी को यही सलाह देते हैं, अजय कुमार बिष्ट जी, सन्यासियों के बस का राज चलाना नहीं होता, आप अपने आश्रम में वापस चले जाएं और यहाँ की सत्ता जो है लोगों को सौंप दें, दोबारा से लोगों को मैंडेट देने के लिए तैयार करें, क्योंकि हर भुवंजा पचास हर दो घंटे में लगभग यूपी के अंदर एक रेप हो रहा है। हर दो घंटे में कितनी त्रासदी की बात है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लिप्त रहे हैं, लेकिन योगी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं इस बात का। करते उसे एक दलित की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए आज विरोध करने के लिए एनएसयू के हमारे साथी सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोग इसकी घोर निंदा भी करते हैं कांग्रेस की तरफ से, और जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा।